नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रीकृष्ण आप सभी का एक्सिको आयुर्वेदा के चैनल पर स्वागत करता हूँ। शारदीय नवरात्रि के आगमन ने मन में ऊर्जा, उमंग और उत्साह भर दिया है। दशहरा हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने का अवसर प्रदान करता है और उसके बाद हम इंतजार करते हैं माँ लक्ष्मी का पूजन बड़ी श्रद्धा भाव से करने का। वैसे तो हम रोजाना माँ की आराधना करते हैं, लेकिन दिवाली पर इस पूजा का विशेष महत्व होता है। आज धनतेरस का दिन है। धनतेरस पूजन से हम इस पूजा अर्चना की शुरुआत बड़ी उमंग और श्रद्धा से करते हैं। इस दिन हम भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं और माता लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता हैं, जो धन, समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रतीक है। इनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में धन और सुख का आगमन होता है। धनतेरस पर हम नई नई चीज़ें खरीदने का महत्व समझते हैं, खासकर सोने, चांदी और बर्तन। यह दिन हमें याद दिलाता है कि समृद्धि केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि स्वास्थ्य को, खुशहाल जीवन को अच्छे तरीके से मनाने में। इस फेस्टिवल पर क्यों न हम कुछ स्वास्थ्यवर्धक आयुर्वेदिक व्यंजन बनाएं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गुड़, तिल और मेवों से बनी मिठाइयाँ न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि इम्यूनिटी को बढ़ाने और ऊर्जा प्रदान करने में भी मदद करती हैं। आप आयुर्वेदिक चाय जैसे अदरक और तुलसी की चाय का आनंद लें, जो सर्दियों में गर्माहट देती है और आपके पाचन को भी बेहतर बनाती है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि हमारा जीवन और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस दिन अपने घर को प्राकृतिक सामग्री से डेकोरेट और महकाना एक बेस्ट सॉल्यूशन है, जैसे कि कपूर, हर्बल धूप और नींबू, जो एनवायरनमेंट को शुद्ध करते हैं और मन को शांति देते हैं। इस खास अवसर पर आइए हम आयुर्वेद के सिद्धांतों को अपने जीवन में शामिल करें और इस पर्व को और भी विशेष बनाएं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान धन्वंतरी आपके जीवन में स्वास्थ्य और सुख लेकर आए और माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करें। आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन आयुर्वेदिक स्वास्थ्य, खुशी और प्रेम से भरा हो। हैप्पी धनतेरस।